नमस्कार और आप देखते हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुझाव देते हुए कहा कि हालांकि वर्तमान में राज्य में पीपीई किट पर्याप्त भंडार है और इसके अलावा 2.50 लाख किट ऑर्डर कर दिए गए हैं। इस प्रकार से और अधिक किटों को आयात करने के विचार पर भी विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ई टेली मेडिसिन सेवा शुरू करने जा रही है ताकि उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई जा सके जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। तेजी से प्रशिक्षण की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च को कोविड-19 का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए परीक्षण सुविधाओं को और बढ़ाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों, किसानों, चिकित्सा पैसे से जुड़े हुए लोगों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को CCL के 4000 करोड़ रुपए के पुनर्भुगतान को स्थगित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि RBI को इस ऋण का भुगतान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर के अभी तक अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वहीं गैर सरकारी संगठन, NGO, अन्य सामाजिक संगठन, स्वयंसेवक और राज्य में लोक नावेल कोरोना वायरस के खिलाफ में अपनी लड़ाई में राज्य सरकार का पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 13,500 लोगों को निगरानी में रखा गया है। पॉजिटिव कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में आए हुए 817 लोगों के सैंपल भी लिए जा चुके हैं, जिनमें से 546 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 20 पॉजिटिव मामले हैं, जो कि 33 पॉजिटिव मामले थे और उनमें से भी 13 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।